तैयार हूँ, ठीक है। अब कन्या कुछ वचन कहती है, यदि आपको अच्छा लगे तो हाँ कहते हुए मानते हुए तो आगे बढ़ते रहते हैं। जहाँ पे नहीं समझ में आएगी तो पूछ लेना, भाई क्या आएगा, है ना। हाँ, संशोधन हो जाएगा अभी। हाँ, बस यहाँ पे कन्या क्या कह रही है, तीर्था उत्योप तीर्थोपतोत्यापन यज्ञ दानम मया सह तम यदि कांतपुरिया वामांग माया मितदा तदीयम जगाद वचनम प्रथमम कुमारी। कन्या का पहला वचन है व्रत में, तीर्थ में, यज्ञ में, दान में, यदि हमारे घर में ऐसा कोई कार्य हो रहा हो तो मेरी भी सहमति आपको लेनी पड़ेगी। अनुमति नहीं कहा, सहमति कहा है। हाँ, जोर से बोलो, लड़की से बोलो, हाँ जी स्वीकार है, ठीक है। यह प्रधान तमरान च पित्र प्रधान यदि पूजिए था बामांग माया मित्रदा तो जगात कन्या वचनम पुरियम। कन्या है, हमारे दैनिक जीवन में दो प्रकार के यज्ञ होते हैं, एक हम पितरों के लिए करते हैं और एक देवताओं के लिए करते हैं। एक को कव्य कहते हैं और एक को हव्य कहते हैं। हव्य देवताओं के लिए होता है, कव्य जो है पितरों के लिए होता है। यदि हमारे घर में इस प्रकार के कोई यज्ञ होते हैं तो उससे पहले भी आपको मेरी जरा सहमति ले लेना कि भाई हम ये यज्ञ कर रहे हैं, हो सकता है मैं यज्ञ में बैठने लायक हूँ। कुटुम्ब रक्षा भरण यदि तुम कुरिया पशु नाम परिपालन चांग माया मिलदा तो भी हम जगा कन्या वचनम। तीसरा वचन कहती है, आज हम दो हैं और परमात्मा की कृपा हुई तो हमारा कुटुम्ब बढ़ेगा, ठीक है। और कुटुम्ब का पालन पोषण करने के आप जो है पशु भी पालेंगे, मुर्रा भैंस ले आएंगे या जर्सी गाय ले आएंगे जो 10 किलो दूध देती हो, ठीक है। लेकिन पशु लेने से पहले आप जो मेरी भी सहमति लेना, मुझे घास काटना आता है नहीं आता, मैं पाल सकूंगी या नहीं पाल सकूंगी, होता है ना। तो सहमति जो है लेना जरूरी है। अगर आप ऐसा पशु का पालन करते हैं तो भाई मेरी भी सहमति आपको लेनी पड़ेगी। तो हाँ बोलो, अब क्या वचन है, क्या कह रही है। गृहस्थी के लिए सबसे उत्तम है ये वचन, सुन लो ध्यान से, आपके काम आएंगे सारे। कन्या कहती है, आया व्योधा निधनाधिकाना पृष्ठा निवेशाम गृहे कन्या। जो कन्या का चौथा वचन है, आय और व्यय, आप कितना कमा रहे हैं और कितना खर्च कर रहे हैं, इसका भी ब्यौरा आज के बाद मुझे, आज तक जो हुआ पिताजी को दिया, माँ को ब्यौरा दिया नहीं दिया वो अलग बात है। आज के बाद मैं आपके बामांग अगर हो जाऊंगी तो मुझे आपको आय और व्यय का ब्यौरा देना पड़ेगा। आप कितना कमा रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि 10 रुपए आप कमा रहे हैं और 20 रुपए का नुकसान कर रहे हैं, ठीक है। यदि आपको मेरा ये वचन स्वीकार हो, मेरा नहीं कन्या का, तो मैं आपके बामांग में आने को तैयार हूँ, ठीक है। रावण रावण समाधान राम वनवास होता है ना, समाज के लिए करते हैं आज का समय, मुझे मेरी सहमति ले लेना, ये न हो घर में रात काटनी है, कार्य करनी है रात, पहले तो लगे तो हाँ बिल्कुल हमारे पड़े कौन इन लोगों का इतनी दम है ना कि वो कमा के देते आदमी को। संस्कृत में ज्ञान में इतना दम है कि वो कमा के देते हैं। आपने क्या क्या संपत्ति जोड़ रखी है, उतना अंग्रेजी में नहीं है, रखा है आपने 2 घंटे वो सबसे अनिवार्य है, मुझे सुबह करना है। और ये भी वचन सुन लो, क्या कह रही है, आराम से ऑफिसर आएगा आपके घर पूछने के लिए, कर्मचारी आएगा घर पूछने के लिए, जनगणना शुरू हो जाएगी, क्या आप कितनी भाषाएं जानते हैं, तो आपको ये बोलना चाहिए कौन आती है, गढ़वाली आती है, संस्कृत आती है, संस्कृत मतलब लगभग 50 करोड़ के आसपास क्या चली जाए।
जाएगी रेस कर स्त्री को आप। तो उस दिन संस्कृत उम्र के हिसाब से मिल जाएगा, दर्जा मिल जाएगा छोटी हुई तो बहन के रूप और जब दर्जा क्या मिलेगा बड़ी हुई तो मतलब अलग मिल जाएगा ऐसा आप देखेंगे। हर बच्चा संस्कृत आज से पहले जो हुआ आपका फेसबुक हुआ या जो भी हुआ मतलब है ना इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह आपसे लेना चाहता है और देखा है की बच्चे को ज्ञान नहीं देते कितना में कल सिखाते नहीं है उसको ये नहीं सिखाते कि कैसे आते हैं सामान्य ज्ञान को ही नहीं सिखाते घर के माहौल के हिसाब से वैसे डालते चले गए बेटा तुम उस कमरे में चले जाओ अब मियाँ भी उस कमरे में जा रहे हैं ये ज्ञान का विज्ञान वही पे हो जाता है ये वाली बात जरूरी है ऐसा नहीं हमारे घरों में क्या है मतलब हमारे बच्चे बड़े तीन दिन में हिंदा तो हमें नहीं जैसे नहीं सही एक बात बताऊँ हकीकत सत्यता है ठीक है क्योंकि अब लोग ला रहे हैं।